अभी यार इतना आलस आ रहा है, 4:15 बज रहे हैं, 4:30 ऑर्डर के लिए लगा हुआ है। मेरा ऐसा मन कर रहा है सो जाऊँ। अभी मैं यहाँ से जाके जस्ट मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, बस एक ऑर्डर के लिए रुका हुआ हूँ, ऑर्डर मिल जाए मैं निकलूँ। और जो भी लोग ये कह रहे थे ना कि यार यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, तो यार उसका एक रीज़न है कि यूट्यूब ने ना मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दिया यार। मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी, वो अभी तो है नहीं, डिलीट हो गई है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से 7 दिन के लिए आप कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते, इसीलिए वीडियो कोई नहीं आई है ना। मैंने ट्विटर पे यानी कि जो एक्स हो गया उस पे मैंने ट्वीट भी डाला था, लेकिन उसका कोई चल रही है बात अभी उसके बारे में, स्ट्राइक हटेगी या नहीं हटेगी, लेकिन जो वीडियो नहीं आई इसी वजह से नहीं आई है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी कि आस्क मी एनीथिंग, उसमें एक लड़के ने क्वेश्चन किया है कि हम इंटर्नशिप में कितना कमा सकते हैं और कैसे पैसे बढ़ते हैं। तो देखो, इंटर्नशिप में जो पैसे नॉर्मली मिलते हैं ना, वो खर्चे के लिए मिलते हैं, आपकी सैलरी के लिए नहीं मिलते। एक्चुअल में सैलरी नहीं होती, वो खर्चे के लिए होते हैं। खर्चे के लिए कितने भी हो सकते हैं, वो 2,000, 4,000, 10,000, 15,000, 15,000 से ज़्यादा की उम्मीद भी मत करना, मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, साफ सीधी बात है, तो उतने आपको मिल जाते हैं लगभग। ठीक है, उसके बाद आप जैसे जैसे काम सीखते हो वैसे वैसे आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं एज ए खर्चा। ठीक है, ये समझना, सैलरी नहीं होती है उसमें से कुछ। अब कोई ये पूछे कि भाई कितने कमा सकते हो, हम ये बता दो, तो भाई साहब इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कमा सकते हो, लेकिन अपनी एबिलिटी पे, यानी अपने खुद के केसेस से, या बहुत सारे तरीके होते हैं कोर्ट में आ जाने के बाद, सीखने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो कोई जरिए बहुत सारे होते हैं, बस सीख जाते हो आप तो हो जाता है काम। ठीक है, तो कितने भी कमा सकते हो यार, इंटर्नशिप में जो मैंने बता दिया ऐसे ही नॉर्मली मिलते हैं ऐसे खर्चे के लिए, उसके बाद आपको खुद करना पड़ता है, मजे आते हैं। और बाकी के तो आपके जो भी क्वेश्चन है ना पूछ लिया करो, इंस्टाग्राम पे मैं ना स्टोरी डालता रहता हूँ आस्क मी एनीथिंग, तो वहाँ पे आप कुछ भी पूछ लिया करो यार, जो भी ऐसा होता है ना कि वहाँ के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो या तो मैं वहीं रिप्लाई कर देता हूँ, या फिर वहाँ पे नहीं हो पाता है तो अगर मेरे को लगता है इस पे हाँ वीडियो बनानी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है ये, और को भी मतलब माइंड में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो यूट्यूब पे डिस्कस कर लेते हैं उसको। जैसे कि अभी ये किया मैंने इंटेंस के बारे में, सेम नाम से आईडी है मेरी, लॉयर रोहित माथुर। इंस्टाग्राम पे भी, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैं लगातार स्टोरी तो डालता रहता हूँ, पोस्ट भी डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। और जो भी क्वेश्चन है पूछ लिया करो यार, धड़ल्ले से। ये चैनल ऐसा है जहाँ पे डेप्थ नॉलेज मिलती है आपकी, मतलब डार्क साइड बिल्कुल रियलिटी आपको बताता हूँ मैं, एक्चुअल में यहाँ पे कोई भी ना ऐसा नहीं होता कि कुछ भी गलत बता दिया आपको या पढ़ा हुआ बता दिया, वो बताता हूँ बिल्कुल जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है, जो आपके काम आ सकता है एक्चुअल में। तो अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो, लॉ स्टूडेंट हो या लॉयर हो या एडवोकेट हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल।